Okay, so ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to the channel, all of you. Welcome to the episode 2 of Let's Meet Nature. 9:16, yes, it's 9:16. मैं almost 9 तक उठ गया था, 9 का अलार्म लगाया था. चला बाहर भूख गया था. चलो. ओह. So that's the highway. You can watch. The window is not clean over here. Yeah, say. Great. That's the highway. Okay, so I'm all set to leave from this hotel or this room. You can watch this room. Yeah, and I have packed all my things. So अभी यहाँ से निकलते हैं, दूसरे होटल में आते हैं. इन 3, 2, 1 एंड यस. तो मेरे होटल के बिल्कुल नज़दीक ये रॉयल इनफील्ड का शोरूम है एंड यहाँ पे सर्विस सेंटर भी है. सो मेरे चेन स्प्रॉकेट का जो चेन है बाइक की, उसका जो स्प्रॉकेट है उसका थोड़ा प्रॉब्लम था पहले से, बट इट इज़ फाइन मुझे कहा गया था. बट अभी ना वो चेन बीच में टाइट है, बीच में लूज़ है और खर 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 आवाज़ बहुत आ रहा है. सो आई वॉज लिटिल वरीड यस्टरडे, फिर भी मैं कैसे जैसे बाइक चला रहा था. सो ये थोड़ा नज़दीक था, सो मैं अभी के लिए सिर्फ चेन क्लीन करके ले रहा हूँ, उसको लुब्रिकेंट मारूँगा और शायद से आज जो मैं स्टे करने वाला हूँ, तो स्टे में मैं ये काम जो चेन का स्प्रॉकेट चेंज करवाना है शायद से कर लूँगा, या फिर देखते कब तक चल रही है. यस, तो यस आई एम हियर एट द न्यू होटल और द सेकेंड होटल ऑफ द डे. ये ओयोगो होटल है, यू कैन वॉच द रूम. यस, या ऐसे बात करेंगे. कम ऑन. जी हाँ, तो अभी मैं हूँ शुभम इन होटल में, जो कि हाईवे के बाजू में ही है और ये थोड़ा चीप रेट में था तो ये ले लिए. तो अभी मैंने चेक इन किया है और अभी मैं जाऊँगा ठोसेघर वाटरफॉल्स. यस, बाकी सब बैग्स यहाँ पर रखूँगा और सिर्फ अपना जो टैंक बैग है वो लेके मैं जाऊँगा ठोसेघर वाटरफॉल्स. ओके चलो. तो फिर ओके, तो पहले फ्यूल भर लेते हैं. फुल कर, फुल. उससे घर यहाँ से कुछ 32 किलोमीटर्स बता रहा है. ओके ठीक है, यहाँ से फाइन 32 किलोमीटर्स जाके वापस आना है. तो ओके, तो मैं यहाँ पर रुका था थोड़ी देर, जस्ट टू वॉच द व्यू. यहाँ से अच्छा दिख रहा है. चलो. ओहो, बाप रे. या ओके ठीक है, तो आराम आराम से जाएंगे भाई. रास्ता खचरा है. ओ माय गॉड, हम तो ही नीचे स्लज है थोड़ा.
माय गॉड, इट्स द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम वॉचिंग अ विंड मिल फ्रॉम सो नियर एंड इट्स आई जागा. ओह माय गॉड, आई लव दिस, लाइक ऐसे बिग बिग बड़ी बड़ी चीज़ें मुझे पसंद है. बिग बिग यानी कि जैसे बिग बिग लाइक एयरक्राफ्ट्स, एरोप्लेन्स, चॉपर्स, बिग बाइक्स, सुपर बाइक्स, सुपर कार्स, बड़ी बड़ी चीज़ों का शौक है. नवाबी शौक है मुझे बड़ी बड़ी चीज़. रीज हियर ॲट ठोसेघर वॉटरफॉल्स. ठीक आहे, इथे येण्याचा रस्ता जसं मी तुम्हाला सांगितलं एकदम मस्त आणि तुम्ही पाहिलंच असेल. तर ही जी जागा आहे ठोसेघर, ठोसेघर गाव आहे आणि त्यामध्ये हा धबधबा आहे. मला इथून ठोसेघर तो जो धबधबा आहे त्या धबधब्याचा आवाज येतो आहे. दोन धबधबे, एक छोटा आणि एक मोठा, एक 150 meters आहे आणि एक 350 meters. ओके, तर आजूबाजूचा आणि परिसर बघून झाला असेल या फिर सब देख के हो गया होगा तो मेन ठोसेघर वॉटरफॉल देखते. चलो सो आई हैव स्विच टू GoPro Hero 5 स्पेशल. पानी बहुत ही ठंडा है. ओके, टाइम टू लीव दिस प्लेस. सो ये थोड़ा भीगा भी बहुत सारा शूट किया. आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा एंड अभी जाएंगे रूम पे ऑब्वियसली. चलो फिर निकलते, कुछ खाया नहीं दोपहर से, अभी जाके खाऊंगा एंड फिर एडिटिंग. चलो मिलते हैं होटल में. येस, सो दैट वॉज माई रूम. और अभी रात के कुछ क्या बज रहे हैं, येस इट्स 12:53. येस, तो अभी मैं
अपना जो पहला व्लॉग है, पहले सीरीज़ का, मतलब सीरीज़ का पहला व्लॉग, वो अभी रेंडर पे चालू है एंड हाँ वो अभी रेंडर पे चालू है एंड आई विल बी हैविंग माय डिनर। यस, अभी खाना खाऊंगा और फिर सोऊंगा एंड देन आई लीव फॉर टुमारो। सातारा से मैं यहाँ पे बाय बाय कहने वाला हूँ, सो कल मैं निकल जाऊंगा। सो अभी के लिए ठोसेघर वाटरफॉल जो था पे जाके आने के बाद, एंड आई विल रेफर दिस प्लेस टू एवरीवन। अगर आप सातारा या फिर कोल्हापुर हाईवे के नज़दीक हो या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो ठोसेघर वाटरफॉल, तो मेक श्योर आप सातारा से, सातारा के लाइक 30-35 किलोमीटर्स है और प्रॉपर घाट है, बहुत मज़ा आएगा। जो बड़ा वाला विंड मिल है वो तो बॉस आप देख के ज़रूर बोलोगे इट्स ओ माय गॉड। सो मैंने फर्स्ट टाइम देखा वो विंड मिल इतने नज़दीक से, लाइक छोटे भी होते लेकिन वो बड़ा था एंड इट वाज लाइक मैं ऐसा इतना बड़ा, सो दैट वाज रियली अ ग्रेट फीलिंग। सो टाइम टू से गुड बाय फॉर दिस व्लॉग, आगे सीरीज चालू रहेगी, कल मैं यहाँ से निकलूँगा, हाईवे है बाजू में तो सो कल मैं यहाँ से निकलूँगा और जाऊँगा कहाँ वो कल के व्लॉग के लिए इंतज़ार करना, इसके बाद वाले व्लॉग में देख लेना। ओके सो टिल देन बी फिट स्टे हैप्पी ओबे योर पेरेंट्स रिस्पेक्ट गर्ल्स एंड कीप सेइंग आई एम द बेस्ट एंड गाइस प्लीज़ शेयर माय वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो, नहीं आ रहे हो तो मुझे बताना क्यों पसंद नहीं आ रहे, सो आई विल वर्क ऑन इट और प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करना और ये वीडियो लाइक करके जाना। सो गुड नाइट एंड बाय बाय।